नहीं नहीं एनडीए को कोई झटका नहीं है, एनडीए स्टेबल है, इससे भाजपा को सीट नहीं चाहिए। एनडीए को बहुमत है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे। एक नया एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था। देखिए आज मुजफ्फरपुर के बोचहां का परिणाम आया है, आरजेडी ने बड़ी मार्जिन से वहाँ सीट जो है वो जीती है। आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान ने यह चुनाव जीत लिया है। हालांकि जो आंकड़े थे पहले राउंड की जब गिनती हुई उसमें बीजेपी की बेबी कुमारी आगे थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे राउंड खत्म होते गए आरजेडी ने बढ़त बना के रखी थी। अब देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि भाजपा की ये गलती थी, नया एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या कहा है जीतन राम मांझी ने, पहले आप उनके इस पूरे बयान को सुने। अरे बेचारी छिपा बोलिए बोलिए कहा है आरजेडी की बड़ी जीत हुई, इसे कैसे देखते हैं सर? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी, और जाहिरतन उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था और उन्होंने ना देख करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था और इससे भाजपा को सीख लेनी चाहिए। लगता कि सर यहाँ से एक नई शुरुआत है, एनडीए को बड़ा झटका है? नहीं नहीं एनडीए को कोई झटका नहीं है, एनडीए स्टेबल है, एनडीए को बहुमत है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा से गलती हुई है? भाजपा से गलती हुई, निश्चित गलती हुई है, टिकट देने में गलती हुई है। आपने सुना जीतन राम मांझी ने कहा है कि एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी। जब वहां से मुसाफिर पासवान जीते थे और वो एनडीए की सीट थी, वीआईपी की सीट थी, तो टिकट जो है उनके नेता को ही मिलना चाहिए था, ये गलती थी, लिहाजा अब इस तरह के परिणाम सामने आए हैं। तो जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है बोचहां उपचुनाव को लेकर के, उन्होंने साफ कह दिया है कि एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें पता था कि बोचहां सीट आरजेडी के अमर पासवान ही जीतते जा रहे हैं। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।